हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मम्मीज ब्लॉग में आपका बहुत स्वागत है। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बेडमी पूरी बनाएंगे। तो ये मैंने उड़द दाल का आटा गूंथूंगी, मैं उससे बनाऊंगी। उड़द दाल को मैंने भिगो दिया है करीब घंटे भर के लिए। इसको हल्के गर्म पानी में भिगो दिया है और आप देखिए ये दरदरी पीसी हुई है। इसे मैश नहीं किया है, पेस्ट नहीं बनाया है, दरदरी पीसा है। तो ये उड़द दाल करीब पौन बॉल के करीब ली है मैंने भिगो के और पीस लिया है दरदरा सा। और ये है आटा, एक बॉल के करीब आटा लिया है मैंने, एक बॉल आटा लिया है रोटी वाला। और ये आधा बॉल मैदा है, आधा बॉल के करीब सूजी है और अजवाइन, सौंफ और ये देसी घी से मोइन डालेंगे। तो इस सबको मिला के अभी मैं आटा गूंथती हूँ और आपको दिखाती हूँ। ये पूरी बहुत क्रिस्पी बनती है। तो ये एक बॉल के करीब आटा डाल दिया है मैंने और ये आधा बॉल मैदा डाला है और ये आधा बॉल सूजी। और इसके अंदर मैं अब ये उड़द दाल जो पीसी है ये डालूंगी। आप देख सकते हैं ये उड़द दाल भी डाल दी है। और अब इसके अंदर मैं ये अजवाइन डालूंगी और थोड़ी सौंफ डालूंगी और ये देसी घी डालूंगी। ये देसी घी करीब मैंने एक चम्मच के करीब लिया है, ये डालूंगी। और इन सबको मिला के अभी हम डो बनाएंगे। इसके अंदर ये रूटीन मसाले डालूंगी फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये नमक डाल रही हूँ। नमक और ये पिसी हुई मिर्च है, ये पिसी मिर्च डाल रही हूँ। ये सब आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। थोड़ी सी धनिया पाउडर डाल रही हूँ और थोड़ी सी अमचूर डाल रही हूँ। ये सब आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालेंगे फ्रेंड्स। ये रूटीन मसाले डाल दिए और इसके अलावा मैं एक ये गरम मसाला भी डाल रही हूँ, थोड़ा गरम मसाला ये भी डाल दिया। अब इसको हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और आटा गूंदेंगे, लेकिन पहले हम ये दाल को इसमें मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। सारी दाल इस तरह से मसालों में मिक्स हो जाएगी, फिर हम आटा गूंदेंगे। थोड़ा सा पानी डाल के, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और टाइट आटा गूंदेंगे। मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल रही हूँ और एकदम टाइट आटा गूंद रही हूँ। फिर थोड़ा सा पानी डालूंगी और टाइट आटा गूंदूंगी। इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अभी मैं आटा गूंद के आपको दिखाती हूँ। ये थोड़ा सा अदरक का भी पेस्ट डाल दिया मैंने। ये आटा हमने गूंद लिया है और ये सख्त है आटा और थोड़ी देर में सूजी फूल जाएगी तो थोड़ा सा और सख्त हो जाएगा। अभी इसके अंदर मैं थोड़ा तेल मिला देती हूँ, तेल से ये चिपकेगा भी नहीं और अच्छा हो जाएगा, थोड़ी देर में सेट हो जाएगा। इसे मैं एक बाउल में डाल के रख देती हूँ। इसे ढक के करीब 10 मिनट के लिए हम रख देंगे और फिर मैं आपको पूरी बेल के बताऊंगी। तो ये आटा हमारा फूल गया है फ्रेंड्स।
10-15 मिनट हो गए हैं, आप देखिए ये फूल गया है। और इसे हम थोड़ा सा और गूंद लेते हैं ताकि हमारी पूरी अच्छी बने। इसे थोड़ा सा तेल लगाया मैंने, तेल लगा के थोड़ा सा और ऊपर नीचे कर लेते हैं। इस तरह से मैंने कर लिया था। अब इसकी मैं छोटी छोटी लोई बनाऊंगी और फिर हम पूरी बनाएंगे, एकदम कचौड़ी जैसी बनेगी फ्रेंड्स। तो अभी मैं छोटी लोई बना के आपको दिखाती हूँ। ये छोटी सी नींबू के शेप में है, इतनी बड़ी लोई लेंगे और हम इसको थोड़ा सा चकले को चिकना कर देंगे। थोड़ा तेल लगा दिया मैंने और अब इसकी पूरी बनाएंगे। इस तरह से थोड़ी मोटी पूरी बनाएंगे। आप देख सकते हैं मोटी पूरी बन गई है और इसमें आपको दाल भी दिख रही है। इधर उधर इसी दाल के दाने दिख रहे हैं, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये दाल के दाने भी दिख रहे हैं। तो यही टेक्सचर हमें चाहिए था, तभी हमारी ब्रेड में पूरी क्रिस्पी बनेगी। तो इस तरह से मैं सभी पूरियाँ बना लेती हूँ और अभी आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, सभी पूरियों को इस तरह से बेल लिया है और ये पूरियाँ आप देख सकते हैं थोड़ी मोटी है, एकदम पतली नहीं है, देखिए मोटी है थोड़ी। तो अब हम फ्राई करेंगे। इसके लिए पहले मैं एक छोटी सी पूरी बना के इस तरह से गोल गोल सी इसमें देखूंगी। तेल गर्म हो गया है कि नहीं, कढ़ाई में डालेंगे हम। तेल गर्म हो गया है, गैस को मीडियम लो मीडियम पे रखेंगे, एकदम हाई पे नहीं करेंगे, नहीं तो पूरी कच्ची रह जाएगी अंदर से और ऊपर से जल जाएगी। तो अब मैं दूसरी पूड़ियाँ डालूंगी और इसको मैं निकाल लेती हूँ। ये तेल हमारा गर्म हो गया है, ये एक एक पूड़ी मैं इस तरह से डालूंगी। गैस धीरे कर दिया मैंने, फिर थोड़ी मीडियम कर दी, आप देख सकते हैं एकदम कचौड़ी जैसी फूल गई है। इसे करीब एक मिनट तक हम धीरे गैस पे इसी तरह से फ्राई करेंगे, तभी ये पूरी क्रिस्पी होगी। और गैस तेज नहीं करनी है, कितनी अच्छी फूल रही है, एकदम सिम कर दीजिए आप गैस को। पहले मीडियम करी थी, अब गैस सिम कर दी मैंने ताकि ये करारी हो जाए। और फिर इसे वापस टर्न करेंगे, इसे बार बार दो चार बार करेंगे ताकि ये क्रिस्पी हो जाए। गैस धीरे कर दी है मैंने, स्लो गैस पे मैं कर रही हूँ अभी। और इसे अब टिश्यू पेपर पे जो जो पूरी होती जाएगी हम उसे निकालते जाएंगे। फिर इसे टर्न कर देंगे, अगर नीचे से लाल हो गई है तो। कितनी अच्छी पूड़ी बनी है फ्रेंड्स, अब हम दूसरी पूड़ी और डालेंगे।
सारी पूड़ियाँ इस तरह से डाल दी है और गैस को मैंने थोड़ा सा मीडियम पे कर देती हूँ। अभी एक दो मिनट ये पूरी फ्राई होगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छी पूरी फूल गई है हमारी, सभी एकदम कचौड़ियों जैसी होगी। अब इसे हम टर्न करेंगे। और एक दो मिनट और होगी और फिर हम इसे निकाल देंगे। ये पूरी हो गई है हमारी और मैं इसे निकाल लेती हूँ। बहुत ही क्रिस्पी बनी है फ्रेंड। और मैं अभी आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो फ्रेंड देखिए, ये गर्मा गर्म ब्रेड में पूरी आलू की सब्जी के साथ सर्व की है मैंने और इतनी मस्त लगती है, क्रिस्पी है, सर्दियों में तो बहुत ही मस्त लगती है फ्रेंड्स। तो आपको कैसी लगी आप बताएंगे। इसे आलू की सब्जी के साथ ही सर्व किया जाता है, यूपी साइड में ये नाश्ता बहुत फेमस है, आप भी ट्राई कीजिए ये रेसिपी बनाने की। तो फ्रेंड्स ये ब्रेड में पूरी की रेसिपी कैसी लगी आप कमेंट करके बताएंगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और उसके पास बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि मेरा हर आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय फ्रेंड्स, बाय।